रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा क्षेत्र में अर्जुन पासी नाम के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि अनुसूचित जाति से थे, उनकी गोली मारकर दिन दहाड़े उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय सांसद रायबरेली और नेता प्रतिपक्ष परिवारजनों से मिलने गए, संवेदना व्यक्त करी। और जब राहुल जी वहां परिवार से मिले थे तो परिवार के लोगों ने उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। परिवार ने एक बात खासकर जो दिवंगत अर्जुन पासी उनकी माँ ने एक विशेष बात बताई थी कि इस घटना के दिन जो लोग अर्जुन पासी को उनके घर से बुलाने आए थे उन्होंने वहां के वर्तमान प्रमुख के प्रतिनिधि के नाम से उनको बुलाने ले गए थे, बुला करके ले गए थे। और उसी के कुछ क्षणों बाद उन्हीं के घर से लगभग 200 मीटर दूर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले की एफआईआर हुई थी जिसमें 7 लोग नामजद हुए थे और पुलिस ने उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी। किंतु परिवार का कहना था और वहां पे जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि जो 7वें अभियुक्त थे और उनका कहना था कि ये मुख्य अभियुक्त है विशाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वजह पूछने पर उन लोगों ने बताया कि वो दबंग किस्म के व्यक्ति भी हैं और उनका राजनीतिक रसूख भी, वो अपने आप को प्रमुख प्रतिनिधि भी कहते हैं, शायद इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ये पीड़ित परिवार ने आदरणीय राहुल गांधी जी से ये कहा था। उसी दिन राहुल जी ने वहां वर्तमान वहां के स्थानीय जिलाधिकारी और एसपी से मुलाकात करके इस पूरी घटनाक्रम पे चर्चा भी की थी और उनसे जो परिवार से उनकी वार्ता हुई थी उससे अवगत भी कराया था और अनुरोध किया था कि जो मुख्य अभियुक्त है, क्योंकि परिवार की का अंदेशा है कि यही मुख्य अभियुक्त, और अभी भी लगातार परिवार जो है के ऊपर दबाव बन रहा है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के, तो डर व्याप्त है पासी समाज में भी और परिवार में भी, तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। का समय बीत गया है, अभी तक मुख्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसी संदर्भ में आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके इस पूरी घटनाक्रम से उन्होंने उनको अवगत भी कराया है और अनुरोध भी किया है कि जो मुख्य आरोपी है विशाल सिंह उसको अरेस्ट किया जाए। आज माननीय राहुल गांधी जी के पत्र को लेकर के कांग्रेस का एक के वरिष्ठ जनों का एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं, तो उनकी जगह उनके ही कहने पर प्रमुख सचिव गृह को हमने ये पत्र राहुल जी का सौंपा है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। उस डेलीगेशन में आदरणीय प्रमोद तिवारी जी थे साथ में, आदरणीय केएल शर्मा जी जो कि अमेठी से सांसद भी हैं और जो ये घटना हुई है उस सलोन विधानसभा अमेठी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तो वो स्थानीय सांसद भी थे, और उनके साथ साथ पीएल पुनिया जी और संगठन से हमारे अनिल यादव जी और मैं, हम लोगों ने ये जाकर के पत्र प्रमुख सचिव गृह को सौंपा है और उनसे अनुरोध किया, उनको अवगत भी कराया जो परिवार की भावनाएं थी, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो वार्ता हुई उसके बारे में भी सब चीज से, पूरे घटनाक्रम से उनको अवगत भी कराया है और उनसे यही अनुरोध किया है कि क्योंकि इस घटना में जो मुख्य आरोपी है विशाल सिंह और परिवार की जो भावना है, समाज की जो भावना है, उसको देखते हुए तत्काल उनको अरेस्ट किया जाए ताकि उस दलित परिवार को न्याय मिल सके। देखिए, अब वो ब्लॉक प्रमुख हैं के प्रतिनिधि हैं वो, तो जरूर जाहिर सी बात है
कि उनको कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त, वरना इस बात का क्या वजह हो सकती है कि एक एफआईआर में 7 मुख्य अभियुक्त हैं, 7 आरोपी हैं, 7 आरोपियों में से 6 आरोपी अरेस्ट किए जाते हैं, तो ये विशेष कृपा किसी एक व्यक्ति पे बनी हुई हो, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक व्यक्ति को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? तो कहीं ना कहीं या तो कोई दबाव हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, जो भी वजह है, पर हमें विश्वास है कि इस पर न्यायोचित कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आदेश करेंगे और न्यायोचित कार्यवाही होगी और ये दलित परिवार को न्याय मिलेगा। बिल्कुल।